नमस्तु सर्वेभ्यः, अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा। अधुना वयं रघुवंशस्य षष्ठ सर्ग विषये पठिष्यामः। अस्मिन् श्लोके मगध नरेशं निकषा इंदुमती गच्छति, ततः मगध नरेशस्य वर्णनम् अपि सखिभिः क्रियते। अधुना श्लोकः कामं नृपः सन्तु सहस्रशोन्ये राजन्वति माहुरनेन भूमिं नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मति चन्द्रमसैव रात्रिः। पुनश्च कामं नृपः सन्तु सहस्रशोन्ये राजन्वति माहुरनेन भूमिं नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मति चंद्रमसैव रात्रिः। अर्थात यथा नक्षत्र ताराग्रहादिभिर्युक्ता अपि रात्रि शशिना एव प्रकाशवती भवति, तथैव पृथ्वी नैक नृपेषु विद्यमानेष्वपि यथार्थ नाम्ना नृपेण परंतपेन राजान्वति कथ्यते। अर्थ जैसे रात असंख्य नक्षत्र तारा ग्रहों आदि से युक्त होने पर भी चंद्रमा से ही प्रकाश अर्थात चांदनी वाली मानी जाती है, वैसे ही पृथ्वी अनेक राजाओं के रहने पर भी यथार्थ नाम वाले राजा परंतप से ही राजन्वती कहलाती है। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। निगर्ध्यात् द्वसानं तु प्रकृतस्य परिणयत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यदर्थतो च कल्पनं कार्यकारणयोर्यत्र तत्र। अतिशयोक्ति अलंकारः अर्थात अस्य संस्कृत व्याख्यायाम् अन्ये अपरे सहस्रशः असंख्यकः नृपः राजानः कामं यथेष्टं सन्तु भवन्तु परम लोकाः भूमिं धराम अनेन परंतपेन नृपेण राजन्वतीं नृष्ट श्रेष्ठ नृपवतीं आहुः अकथयन् रात्रिः निशा नक्षत्रताराग्रहसङ्कुला रोहिण्यादि नक्षत्रतारा तारकादिग्रह युक्तापि चंद्रमसा इंदुना एव ज्योतिष्मति प्रकाशवती भवति। त्यर्थः अत्र इन्द्रवज्रवृत्तं वर्तते, तद्लक्षणमिदं स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। पुनश्च श्रूयतां स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। अत्र बिंब प्रतिबिंब भावेन वर्णनात् दृष्टान्तालङ्कारोऽपि प्राप्यते। अधुना क्रीडा शरीर संस्कारम् अनेन अधुना अग्रह श्लोक अनेन चेच्छा ते चेदिच्छति गृह्यमाणं पाणिं वरेण्येन कुरु प्रवेशे प्रासाद वातायन संत्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानां। पुनश्च श्रूयताम् अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणिं वरेण्येन कुरु प्रवेशे प्रासाद वातायन संत्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानां। अस्य भावार्थः हे राजकुमारी इंदुमती, यदि त्वं अनेन नृपश्रेष्ठेण अथवा अनेन श्रेष्ठ नृपेण परंतपेन सह विवाहं कर्तुं इच्छसि तदा पुरप्रवेशकाले पाटलिपुत्राट्टालिकासु प्रविश्य गवाक्षेण विलोकयन्तीनां तन्नगर रमणीयानां रमणीनां नयनोत्सवं विधेहि। त्वाम् अवलोक्य सर्वाः ता अतीव प्रसन्नाः भविष्यन्ति इति भावः। हे इंदुमती, यदि तुम श्रेष्ठ राजा परंतप से विवाह करना चाहती हो तो इनके पुत्र तो इनके नगर पाटलिपुत्र अर्थात मगध देश की राजधानी है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में प्रवेश करते समय राजभवन के झरोखों में बैठी हुई वहाँ की रमणियों को दर्शन देकर आनंदित करो। संस्कृत व्याख्या
वरेण्येन वरणीयेन श्रेष्ठेन अनेन नृपेण परंतपेन गृह्यमाणं स्वीक्रियमाणं पाणिनिकरं चेतयति इच्छसि अभिलषसि तदा तदानीं न प्रवेशे नगर प्रवेशकाले प्रासादवातानि संसृतानां राजसदनगवाक्षोपविष्टानां पुष्पपुराङ्गनानां पाटलिपुत्ररमणीनां नेत्रोत्सवं नयनानन्दं कुरु विदेहि। समासः वरितुं योग्यः वरेण्यः तेन वरेण्येन गृह्यते असगृह्यमाणः तं गृह्यमाणं प्रासादानां वातायनानि प्रासादवातायनानि ते तु संसृताः प्रासादवातायन संसृताः तेषां प्रासादवातायन संसृतानां षष्ठी तत्पुरुषाः। अग्रिमः श्लोकः एवं तयोक्ते तमवेक्ष किञ्चित् विंस्रंसि दुर्वाङ्क मधुकमालः ऋतुप्रणामक्रियैव तन्वी प्रत्यादिदे प्रत्यादिशेनेम अभाषमाणा। अर्थात सुनंदया पूर्वोक्त प्रकारेण कथिते सति तम नृपं परंतपम अवलोक्य कृशांगी इंदुमति ईशस्रस्त मधुकमाला सतितम सामान्य क्रिया एव प्रणम्य अस्वीकारं कृतवतीति तात्पर्यम्। सुनंदा के इस प्रकार के कहने पर कृशांगी इंदुमति ने राजा परंतप की ओर देखा। उस समय उसके हाथ में स्थित दुर्वा युक्त महुए की मंगल माला कुछ खिसक सी गई और बिना कुछ कहे ही साधारण ढंग से प्रणाम करके वह आगे बढ़ गई। संस्कृत व्याख्याम तया सुनंदया एवं पूर्वोक्त प्रकारेण उक्ते कथिते सति किंचित विस्रंसित दुर्वांक मधुकमाला ईशत स्रस्त दुर्वायुट गुड पुष्पस्त्रक तन्वी कृशांगी इंदुमती तम नृपम परंतपम अवेक्ष विलोक्य एनम तम अभाषमाणा अप्रुवाणा ऋजु प्रणाम क्रियया साधारणी नमस्कार रीत्या प्रत्यादेश प्रत्याख्यानम अकरो। अमरकोशे तु पुष्पमालायाः नाम मधुकेतु गुड पुष्प मधु द्रुमौ इत्यमरः वृत्तम उपजाति उपजाति वृत्तम अत्र वर्तते। अधुना अग्रश्लोकः तां सैव वित्रग्रहणे नियुक्तः राजान्तरं राजसुतां निनाय समीरणे समीरणोत्थेव तरंगलेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीं। पुनः श्रूयतां तां सैव वित्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय समीरणे समीरणोत्थेव तरंगलेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीं। अर्थात द्वारपालिका सुनंदा यथा वायु प्रेरिता उर्मिमाला मानस संस्थिता राजहंसीं पद्मात पद्मांतरम नयति तथैव ताम राजसुताम इंदुमतिम अन्यस्य नृपस्य समीपे नीतवती। बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर। जैसे पवन के झोंके से उठी हुई लहर मानसरोवर सरोवर की राजहंसी को एक कमल से दूसरे कमल तक पहुँचा देती है, वैसे ही द्वारपालिका सुनंदा ने राजपुत्री इंदुमती को मगध नरेश से अन्यत्र दूसरे राजा के पास पहुंचा दिया। कोश विषय भंगस तरंग उर्मिर्वा स्त्रियां वीची इति उर्म्यः नामानि समीर मारुत बरु जगत प्राण समीरिणः इति वायोः नामानि। अलंकार पूर्णोपमा अल्पूर्णा पूर्ण उपमा अलंकारो अत्र वर्तते। छंद उपजाति वृत्तम संस्कृत व्याख्याम वित्र ग्रहणे नियुक्ता द्वारपालिका सा सुनंदा एवताम राजसुताम पूर्वोक्ताम राजपुत्रीम इंदुमतीम समीरणोत्था पवनोत्पन्ना तरंगलेखा उर्मि पंक्ति ही मानस राजहंसीम मानस सरोवर मरालिम पद्मांतरम कमलांतरम इव यथा राजांतरम नृपांतरम निनाय नीतवती। इत्यर्थः। धन्यवादः।